ग्यारहकुंड प्रखंड क्षेत्र के पंचमौली पंचायत स्थित SHG माया देवी ने जन वितरण प्रणाली दुकान में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सोना सोबरन योजना के तहत वस्त्र बांटने का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में नेता अशोक मंडल और पंसद कुसुम दत्ता को माया देवी ने फूल बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद झामुमो नेता अशोक मंडल के हाथों लाभुकों को धोती साड़ी और लुंगी वितरण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, जिसके बाद बारी बारी से मुख्य अतिथियों के हाथों लगभग 50 गरीब लाभुकों के बीच दिया गया। मौके पर झामुमो नेता अशोक मंडल ने बताया कि झारखंड राज्य बनने के बाद कई पार्टी की सरकार बनी, लेकिन गरीबों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। जब हेमंत की सरकार आई तो उन्होंने गरीबों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के योजना धरातल पर उतारा, जिसमें सोना सोबरन योजना लाया गया। इस योजना में राज्य सरकार गरीबों को साल में 2 बार कपड़े देने का योजना बनाया, ताकि राज्य के गरीबों को रहना खाना के साथ कपड़े की व्यवस्था हो, जो धरातल पट आज देखने को मिल रहा है। इसी के तहत माया देवी के PDS दुकान में 10-10 रुपए में गरीबों को उच्च क्वालिटी का धोती साड़ी और लुंगी दिया जा रहा है। देखिए, जब से झारखंड बना है और झारखंड 2001 में बना है, उसके बाद भी जो भी सरकार आया अपना अपना योजना बनाने का काम किया, धरातल पर उतर उसको उतारने का भी काम किया, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हेमंत बाबू का सरकार बना, इसके पहले भी एक बार हेमंत बाबू का सरकार जब बना था, तो उसने सोचा और समझा कि आज के दिन साधारण से साधारण गरीब लोगों को क्या ज़रूरत है, ज़रूरतमंद चीज़ है, क्या ज़रूरत है। लोग किसी न किसी तरीक़ा से खाना पीना करके कर ही लेता है, लेकिन अगर साल में एक लुंगी, एक साड़ी, एक धोती अगर 2 बार मिल जाता है साल में, तो निश्चित रूप से एकदम साधारण से साधारण वर्ग के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मददगार हो जाता है। तो हमारे हेमंत बाबू ने ये सोच समझकर ये योजना लागू करने का काम किया है, और हम चाहेंगे जो भी इनके डीलर है, जो भी माध्यम बनता है, वो सही ढंग से ऐसे लोगों के नाम पर इसको बांटने का काम करे, दिलाने का काम करे, तो निश्चित रूप से झारखंड में वैसे लोग जो बसवास करते हैं उसका बहुत ज़्यादा फायदा इसको मिलेगा। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ हेमंत बाबू को, जिस तरीक़ा से आपने लुंगी धोती का योजना बनाने का काम किए हैं, सुदूर गांव में सुदूर देहात के लोगों के लिए बहुत बड़ा ये हेल्पफुल योजना है। आगे जाके ऐसा भी योजना बनाए ताकि झारखंड के वैसे लोग जो सुदूर में रहते हैं, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, जिसके लिए कोई है नहीं, तो उसके लिए ये योजना बहुत काम में आता है, और आगे चल के ऐसा ही कुछ योजना बनाए ताकि झारखंड के लोगों को लाभ मिले। धन्यवाद।